रतलाम जिले में हमलावरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसकी बान की तब देखने को मिली जब बदमाशों द्वारा एक दुकानदार और उसके साथियों पर दिन दहाड़े हमला कर दिया गया। इस दौरान 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लोकेंद्र टॉकीज स्थित एक दुकान पर सुनील सूर्या नामक व्यक्ति अपने अन्य साथियों के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान करीब 20 युवकों ने आकर धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। हमले में सुनील सहित सावन, अमित और दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। मामले की सूचना लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कार्रवाई करते हुए इस मामले से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। देखिए, अभी सुनील सूर्या, अमित और सावन बैरागी के साथ मारपीट की गई है। उनको अभी इलाज चल रहा है। उनकी तरफ से FIR हो रही है धारा 307, 147, 148, 149 के तहत। और मारने वाले हैं आदित्य सिंह तोमर वगैरह, आदित्य सिंह सूरपाल, कुंदन और इनके साथियों ने। इनके आपस की पुरानी रंजिश है इनकी, उस चक्कर में इन लोगों ने मारपीट करी है। सर, रंजिश की वजह क्या आपकी कुछ है? रंजिश की वजह तभी सामने नहीं आया है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और उसके बाद पता चलेगा तो हम बताएंगे आपको। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट।